हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। आप जानते हैं कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत अब दो अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, जिसमें एक अनसीन पैसेज इंग्लिश के प्रोज में होगा और उसमें तीन एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट पर देना होगा या एक छोटा सा पैसेज होगा जिसका उदाहरण यहां लिखा होगा, उसमें तीन प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर भी ऑप्शन के लिए दिए गए होंगे ए बी सी डी करके। आपको जो उत्तर उसमें सबसे उचित लगता है उसे आप ओएमआर सीट पर जाएंगे और उस प्रश्न नंबर के उस विकल्प को ब्लैक पॉइंट वाले पेन से आप उसे रंग देंगे और इस प्रकार से ओएमआर सीट पर 20 प्रश्नों के उत्तर दे रहे होंगे। वह 20 प्रश्न आधे बुक से और आधे ग्रामर से होंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है अंकों में, लेकिन 20 करने हैं। बचे 50 अंक के प्रश्न उनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे, प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, ए और बी करके ए वाले पार्ट को ओएमआर सीट पर देंगे, बी वाले पार्ट को आप उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। पैसे जो पूछे जाएंगे उसको हल करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहला काम करते हैं पैसे को पढ़ते हैं, सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं, प्रत्येक वाक्य पर ध्यान देते हैं, उसकी छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रत्येक वाक्य किसी न किसी प्रश्न का उत्तर बन सकता है, चाहे एमसीक्यू के लिए बन सकता है या रिटन आंसर के लिए भी। पैसेज वही रहते हैं, उसमें चाहे एमसीक्यू का प्रश्न बना लीजिए और चाहे रिटन बना दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन बना दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन बना दीजिए, वो तो बनाने वाले के ऊपर निर्भर। तो इसलिए पैसेज को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, उसकी बातों को समझें, वो क्या कहा गया है, छोटी से छोटी बात पर भी प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते समय आप प्रोनाउंस पर विशेष ध्यान रखें कि उसमें जो आई आया, ही आया, सी आया, इट आया, दे आया, दे, ये किसके लिए आया, और उसे आवश्यकता अनुसार आप परिवर्तित भी करें कभी भी, या बचने का प्रयास करें आई यू वी देश आई वी यू इत्यादि से प्रश्न का उत्तर ना दें। इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन आंसर हु, हुम, हुज, विच, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि, हाउ मेनी, हाउ मच, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है इस पर ही देखें। यस नो टाइप्स के क्वेश्चन, इन सारे प्रश्नों का जवाब इसके पहले वाले जो वीडियोस वीडियो नंबर 9 से लेकर 15 के बीच में, वो सब आपको बारीकी से समझाए गए हैं, आप उसे खोल के उसे अध्ययन कर सकते हैं। और अगर कोई परेशानी खड़ती होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, या इसके अलावा अन्य कोई ग्रामर पोर्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर टाइप कीजिए, जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो टाइप कीजिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बाय के डी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग। सारे एक्टिव पैसे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप चाहते हैं वो सब आपको उदाहरण वहां से वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उसे देखिए और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कॉल करके आप हमसे उसका समाधान कराइए। अब आइए इस पैसेज, यहां दिया हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे के गद्य खंड को पढ़िए केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कारण नीचे के गद्य खंड को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उस पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, यह एमसीक्यू पर बेस्ड ऑन एमसीक्यू। अब पैसेज पर आइए, अशोक रूल्ड ओवर इंडिया About 2000 years ago, अशोक रूल्ड ओवर, अशोक शासन करता था इंडिया, भारतवर्ष का शासन करता था About 2000 years ago, अशोक लगभग 2000 वर्ष पहले भारत पर शासन करता था, अशोक
लगभग 2000 वर्ष पहले भारत पर शासन करता था। ही वाज ए ब्रेव किंग, वो बहादुर राजा था। ही वाज ए ब्रेव किंग, वो बहादुर राजा था। ही हैड इनहेरिटेड ए ह्यूज किंगडम, उसे विरासत में ह्यूज विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। ही हैड इनहेरिट विरासत में प्राप्त करना, ये ह्यूज किंगडम, उसे विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। बट कलिंग वाज स्टिल फ्री, लेकिन कलिंग का राज अब भी स्वतंत्र था। बट कलिंग वाज स्टिल फ्री, लेकिन कलिंग का राज अभी स्वतंत्र था। ही वांटेड टू कांकर इट, अशोक इसे जीतना चाहता था। कांकर जीतना, ही वांटेड टू कांकर इट एंड सो वेंट टू वार विथ इट, और इसीलिए इसे युद्ध करने गया। अशोक कलिंग को जीतना चाहता था, इसीलिए वह युद्ध करने के लिए गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेर किल्ड एंड वुंडेड इन द बैटल, इस युद्ध में हजारों हजारों की संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वेर किल्ड एंड वुंडेड इन द बैटल, इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में हजारों हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। मेनी वुमेन बिकेम विडोज, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई। मेनी वुमेन बिकेम विडोज, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो गई। एंड मेनी चिल्ड्रन ऑर्फन्स, अब बहुत से बच्चे अनाथ बन गए। एंड मेनी चिल्ड्रन ऑर्फन्स, और बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। बट द वार चेंज्ड अशोक्स हार्ट, लेकिन इस युद्ध ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। बट द वार चेंज अशोक्स हार्ट, लेकिन इस युद्ध ने अशोक के हृदय को बदल दिया। He became very sad, अशोक बहुत दुखी हुआ। He became very sad, अशोक बहुत दुखी हुआ। He took a vow not to fight anymore, उसने कसम खाई कि अब आगे युद्ध नहीं करेगा। He took a vow, कसम, उसने शपथ लिया not to fight anymore, अब आगे युद्ध न करने की उसने कसम खाई। He became a follower of Lord Buddha, वह भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। He became a follower of Lord Buddha, वह भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। And gave up hunting even, और शिकार करना भी छोड़ दिया। And gave up hunting even, और यहां तक कि शिकार करना भी छोड़ दिया। He won the hearts of the people, उसने लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त किया। ही ओन, उसने जीत लिया द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों का हृदय जीत लिया। दो लव एंड थ्रू लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह से उसने लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त की। ही ओन द हार्ट्स ऑफ द पीपल थ्रू लव एंड अफेक्शन। ये आपका पैसेज रहा। आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अशोक वांटेड टू गेट, अशोक प्राप्त करना चाहता था क्या? ओवर कलिंग, अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था। देख रहे, कांकर आया हुआ ना, अब कांकर की दूसरी मीनिंग भी लिख सकते हैं अपने, इनहेरिट विरासत, विक्ट्री विजय, फॉलोअर्स अनुयायी के आप यहां विक्ट्री भरेंगे, विजय। अशोक वांटेड टू गेट विक्ट्री, विजय प्राप्त करना चाहता। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट चेंज अशोक, अशोक के हृदय को किसने परिवर्तित कर दिया? दीवार ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध में लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। दी ह्यूज किंगडम, विशाल साम्राज्य ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। दी विडोज एंड चिल्ड्रेन, विधवाओं और बच्चों ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया। इसमें सही होगा आपका दीवारा कलिंग, कलिंग के युद्ध ने अशोक के हृदय को बदल दिया। दीवारा कलिंग। क्वेश्चन नंबर तीन है, चूज ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज, गद्य खंड से वह शब्द का चुनाव कीजिए विच इज सिमिलर टू प्लेस, कह रहा कि आप गद्य खंड से
चूज ए वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच गद्य खंड से उस शब्द का चुनाव कीजिए जिसका अर्थ है प्लेज। प्लेज का मतलब शपथ। तो ब्रेव बहादुर बैटल युद्ध कांकर जीतना। डी सही है बाऊ। प्लेज का मतलब बाऊ शपथ लेना कसम खाना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दिए गए अनसीन पैसेज को पहले सावधानी से पढ़ते हैं उसके मतलब को समझते हैं फिर प्रश्नों को बारीकी से पढ़ के समझते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है कौन सी सूचनाएं वो प्राप्त करना चाहता है और तब आप शंका करते हैं। फिर अगर वही पैसेज रिटर्न में दिया गया है उसको आप उत्तर लिखना है तो बहुत सारे प्रश्न इसी को बन सकते हैं जैसे अशोक रूल ओवर इंडिया अबाउट 2000 years ago। अब इसी पर प्रश्न है व्हेन डिड अशोक रूल ओवर इंडिया। व्हेन डिड कब अशोक रूल ओवर इंडिया। अशोक भारत पर कब शासन करता था तो अशोक रूल ओवर इंडिया अबाउट 2000 years ago। ठीक। अब उसके बाद फिर मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन पर आप आ गए ही हैड इनहेरिटेड ए ह्यूज किंगडम। व्हाट डिड ही इनहेरिट या व्हाट हैड ही इनहेरिट उसे विरासत में क्या मिला था ही हैड इनहेरिटेड ए ह्यूज किंगडम। ही हैड इनहेरिटेड विच स्टेट वॉज फ्री स्टिल फ्री। विच स्टेट वॉज स्टिल फ्री कलिंग स्टेट ऑफ कलिंग वॉज स्टिल फ्री। व्हाट डिड अशोक वांट अशोक क्या चाहता था। व्हाट डिड अशोक वांट तो अशोक वांटेड टू कांकर कलिंग। व्हाट डिड अशोक वांट तो अशोक वांटेड टू कांकर कलिंग। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि रिटन क्वेश्चन भी इसी पैसेज पर विभिन्न प्रकार के बन सकते हैं। अब एक ही में इसलिए दोनों हमने नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आगे जब आएगा तो इसके बाद एमसीक्यू के बाद रिटन आंसर जो बताने का नंबर आएगा तो उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे। थैंक यू।